वेलकम बॉयज, कैसे हो भाई लोगों। तो यार आज हम देखेंगे कैसे हमने ना गेम लूप या टेंशन गेमिंग बडी का लैग फिक्स करना है, वो भी इंटेल एचडी ग्राफिक्स के ऊपर, यानी कि जिनके पास जीपीयू है ही नहीं। और ये भी बताऊंगा कि गेम लूप की कौन सी बेस्ट सेटिंग है फॉर लो एंड पीसी के लिए, और जिनके पास ग्राफिक कार्ड या जीपीयू है पड़ा वो भी ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। उनके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बूस्ट होगी और इंटेल एचडी ग्राफिक्स की भी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है क्रिएट, और ये आ गया रिस्टोर पॉइंट। क्रिएट रिस्टोर पॉइंट पर क्लिक करना है आपने, ताकि अगर आपके पास कोई इशू आता है सारी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद इस वीडियो की, तो आप उसको दोबारा से वैसे ही कर सके जैसे पहले सिस्टम था, उसको रिस्टोर कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आपने सी ड्राइव सेलेक्ट करनी है जहाँ पे ये प्रोटेक्शन ऑन हो, और क्रिएट पे क्लिक कर देना। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नाम लिखें, जैसे मैं दे रहा हूँ गेम लूप लैग फिक्स फॉर इंटेल एचडी ग्राफिक्स, सही हो गया। इसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर देगा। अगर आपके पास कोई भी इशू आता है सारी सेटिंग अप्लाई करने के बाद, तो आप इसको यहाँ से सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। ये देखें सिस्टम का रिस्टोर पॉइंट जो है ना क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सिंपली आपने इसको क्लोज कर देना है। अगर आपने रिस्टोर करना है तो कैसे करेंगे, यही स्टेप सारा फॉलो करेंगे। सिर्फ क्रिएट नहीं करना, यहाँ पर सिस्टम रिस्टोर पॉइंट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करेगा रिकमेंडेड डेट पे आपने कौन सा रिस्टोर पॉइंट बनाया था, या आप खुद से चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे चूज एंड डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट, फिर नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे ये देखिए आ गया गेम लूप लैग फिक्स फॉर इंटेल एचडी ग्राफिक्स। उसने उस हालत में सिस्टम को रिस्टोर कर देना जिसमें आपने कोई भी सेटिंग वगैरह अप्लाई नहीं की। ठीक हो गया, स्टेप टू है हमारा के लैग फिक्स फॉर इंटेल एचडी ग्राफिक्स। यहाँ पे कुछ फाइल्स वगैरह हैं जो मैं आप लोगों को ना डिस्कॉर्ड सर्वर पर दे दूंगा। आपने सिंपली क्या करना है, डिस्कॉर्ड सर्वर पर जाना है और यहाँ पे लेफ्ट साइड पर जाना है डाउनलोड फाइल्स के अंदर। ठीक हो गया, यहाँ पे जो न्यू फाइल है ना यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। और यार वीडियो को काइंडली कंप्लीट देखा करो, फिर मसले का बताया करो कि यार ये मसला आ गया। वीडियो में मैंने ऑलरेडी मसला एक्सप्लेन किया होता है, आप बार बार आके मुझसे पूछ रहे हो यार ये कैसे करूँ ये कैसे करूँ। भाई वीडियो को कम्प्लीट देखोगे तो मसला हल होगा। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, ये फर्स्ट वाला जो है ना मेमोरी रिडक्ट, इसको ओपन करना है और इसको सिंपल से इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको रन पे चेक करके फिनिश करना है, तो ये ओपन हो जाएगा। तो इसकी अपडेट को कैंसिल कर दें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे आपने चेक कर देना है लोड ऑन सिस्टम स्टार्टअप। ठीक हो गया, इसके बाद ये इसको थोड़ा सा लेफ्ट कर देता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये वाकई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सही है, ये हमारी रैम है, देखें 3.8 GB यूज़ हो रही है। यहाँ मैंने क्लीन मेमोरी पे क्लिक किया, डू नॉट आस्क, यस। अब देखें 3.8 GB यूज़ हो रही थी, अब कितनी यूज़ हो रही है, 1.5 GB। ठीक हो गया, अब जाहिर बात है जिनके पास इंटेल एचडी ग्राफिक्स होगा उनके पास जो मेमोरी होगी या रैम होगी वो भी कम होगी, बिकॉज लो एंड पीसी है। इसको सिंपली यहाँ से बंद कर दें, इसको भी यहाँ से बंद कर दें, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक क्लीन करता रहेगा। अगर फिर भी आपको फील हो कि ये मेमोरी जो है ना बहुत ज़्यादा लोड ले रही है, तो आपने एक बार इसको ओपन करके क्लीन मेमोरी पे क्लिक कर देना है, और इसको फर्स्ट टाइम एक ही बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। इसके बाद आपने जाना है पावर कंट्रोल सेटअप पर, इसको आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ पर नेक्स्ट इंस्टॉल, सिंपल सा स्टेप है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको मिनिमाइज कर देना है। इसके बाद आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है, जो हमने इंस्टॉल किया पावर कंट्रोल इसको कर लेना है ओपन। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सारी ये पार्क एसी डीसी ये वो सारा कुछ सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया, इसके बाद आपने ये जितनी भी फ्रिक्वेंसी है ना इसको 100 पे करके सारी को मैक्सिमम करके अप्लाई कर देना है। इससे आपके जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है ना प्रोसेसर की वो बूस्ट हो जाएगी। ओके कर देना है सिंपली। अब दोबारा से लैफिक्स वाला फोल्डर खोल लें। ठीक है, इसके बाद आपने डी एक्स वेब सेटअप जो है ना इसको ओपन करना है। ये बेसिकली डेटेक्स को अपडेट करेगा, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो डेटेक्स पे खेल रहे हैं रनिंग इंजन पे गेम लूप के, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगी, और साथ में जो उसके इश्यूज हैं ना और एरर्स वगैरह वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। आई एक्सेप्ट पे सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है, और इंस्टॉल द बिंग बार इसको अनचेक कर लें, ताकि आपके पास कोई भी वेब एड्रेस बार ना आ जाए। इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा, अगर आपका कोई पुराना वर्जन होगा तो डाउनलोड करेगा, अदरवाइज ये बता देगा कि आपका ऑलरेडी अपडेटेड वर्जन है। जैसे ये मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आपने इसको कर देना है फिनिश। इसके बाद ये है कि जीपीयू की मेमोरी जो है ना हमने इसको इंक्रीज करना है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंटेल के ग्राफिक कार्ड पे होता है, जो इंटरनल ग्राफिक कार्ड होता है। अब पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। आपने टास्क मैनेजर खोलना है, यहाँ पे आपने परफॉर्मेंस पे जाना है, और यहाँ से नीचे आ जाए, ये देखें इंटेल एचडी ग्राफिक्स। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आप लोगों को नजर आए, ये नीचे को ले आया। यहाँ ये देखेंगे मेरी डेडिकेटेड मेमोरी कितनी है जीपीयू की, 576 इंटेल एचडी ग्राफिक्स की। ठीक हो गया,
ये मेरी ज़्यादा इसलिए है कि मैंने जो है ना सेटअप के अंदर जाके अनलॉक करनी पड़ती है कि इसको मैक्सिमम अलाउ करें। बेसिकली क्या होता है कि पावर सेविंग मोड में होता है, उन्होंने मेमोरी को कम शो किया होता है। तो आप जब ऐसे इसको यूज़ करेंगे ना, ये जो मैंने रजिस्ट्री फाइल दी है, तो इससे क्या होगा, ये मेमोरी फुल अनलॉक हो जाएगी जीपीयू की, जितनी मैक्सिमम है ना उतनी अनलॉक हो जाएगी। अगर किसी की बढ़ेगी मेमोरी इंटेल एचडी ग्राफिक्स की तो वेल एंड गुड है, अगर किसी की नहीं भी बढ़ती तब भी कोई इश्यू नहीं है, परफॉर्मेंस भी बूस्ट हो जाएगी। आपने क्या करना है, इंक्रीज जीपीयू मेमोरी को राइट क्लिक करना है, मर्ज पर क्लिक करना है, यस और ओके, ठीक हो गया। इसके बाद आपने अपना इंटेल एचडी ग्राफिक्स का जो इंटरनल जीपीयू है ना उसको अपडेट करना है, ये कंपलसरी स्टेप है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना है। सिंपली किसी भी ब्राउजर पर जाएं, यहां पर लिखना है आपने डाउनलोड इंटेल, जैसे लिखेंगे इंटर करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी डाउनलोड इंटर ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर, इस पर क्लिक करना है आपने। मोस्टली लोगों ने क्या है अपने सिस्टम के ड्राइवर अपडेट ही नहीं किए हुए, जो विंडोज डिफॉल्ट इंस्टॉल कर देती है वही इंस्टॉल्ड है, पुराने वर्जन जैसे परफॉर्मेंस पूरी नहीं आती। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है ग्राफिक्स, और जो आपके ग्राफिक्स का वर्जन होगा ना यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए ये ग्राफिक्स सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद विच टाइप आपने अब बताना है कि आपका कौन से ग्राफिक्स की कैटेगरी, जैसे मेरी इंटेल एचडी ग्राफिक्स है फैमिली, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपके ग्राफिक्स का मॉडल कौन सा, जैसे मेरा 4600 है, ये इंटेल एचडी ग्राफिक्स 4600, इस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डाउनलोड टाइप आपने ड्राइवर चाहिए आपको। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है कि आपके पास विंडोज़ कौन सी, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज 1064 बिट, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे ये देखें नीचे ड्राइवर आ चुका है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला होगा ना आपने वो डाउनलोड करना है जो सबसे न्यू होगा, यहाँ पे देखें ना ये डेट है 2021 को आया है ये वाला ड्राइवर जो है ना इंटेल एचडी ग्राफिक्स का। सिंपली आपने इस पे डाउनलोड पे क्लिक करना है तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट कर देगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है पड़ा तो वो शो करवा रहा है कि आपने दोबारा से डाउनलोड करना है। इसको आपने डाउनलोड कर लिया, आपने सिंपली आना है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जहाँ पे आपने ड्राइवर को रखा हुआ था, ये डाउनलोड किया है। प्रोग्राम में आने के बाद ये Win64 ये वाला वर्जन था, इसको आपने डबल क्लिक किया तो ये देखें इंटेल एच डी ग्राफिक्स ड्राइवर का ओपन हो गया, कि आपने ड्राइवर को भी अपडेट करना है और डिस्प्ले के आडियो को भी। तो ये सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद इंस्टॉल कर देगा। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, मैंने आज ही डाउनलोड अपडेट किया अपना ग्राफिक का ड्राइवर ना, तो इस स्टेप को मैं स्किप कर रहा हूँ। आपने स्किप नहीं करना, प्रॉपर इसको इंस्टॉल करना है, बिल्कुल ईजी से स्टेप है, इसमें कोई मतलब तीर नहीं मारना। इंटेल एच डी ग्राफिक्स के कंट्रोल पैनल को खोलने जैसे ये मैंने खोला हुआ, ठीक है। इसके बाद आपने सबसे पहले डिस्प्ले पर क्लिक करना है, इसके बाद आपने ये अपना रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है, जो आपका मैक्सिमम रेजोल्यूशन होगा वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपने मॉनिटर का रिफ्रेश रेट सेलेक्ट करना है 60 हर्ट्ज़ जैसे, या जो भी आपका हर्ट्ज़ होगा वो सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको रोटेशन जीरो करके इसको अप्लाई कर देना है, और इसमें सेलेक्ट करना है कि आपने मेन डिस्प्ले की स्केलिंग कर रहे हैं, कोई और सेटिंग वगैरह नहीं कर रहे, अप्लाई यस, फिर वापस जाना है, फिर 3D खोलना है, और इसमें आपने ऑप्टिमल मोड को सिलेक्ट करना है, एनेबल पे सिलेक्ट करना है, और जनरल सेटिंग में हमने बैलेंस मोड नहीं करना है, परफॉर्मेंस मोड करना है ताकि हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा आए। फिर इसी तरह अप्लाई यस बैक जाना है। अब इसमें हमने प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल पर सेलेक्ट करें, सारा कुछ चेक करके फिर आपने अप्लाई करना है या बैक करना है, ठीक है, ये अनचेक नहीं होना चाहिए कुछ भी। इसके बाद आपने जाना है पावर के ऊपर, यहाँ पे प्लग इन और ऑन बैटरी, अगर किसी के पास लैपटॉप होगा तो यहाँ पे दोनों शो होगा, प्लग इन एंड ऑन बैटरी, तो आपने दोनों के अंदर मैक्सिमम परफॉर्मेंस करना है, ठीक है, प्लग इन के अंदर भी मैक्सिमम परफॉर्मेंस, ऑन बैटरी के अंदर भी मैक्सिमम परफॉर्मेंस, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें नीचे आ गया डिसेबल पावर सेविंग टेक्नोलॉजी, आपने इसको डिसेबल कर देना है ताकि आपकी जो पावर है ना वो सेव ना हो और हमें फुल परफॉर्मेंस मिल सके। इसके बाद आपने फिर बैक जाना है, वीडियो के अंदर जाना है, और यहाँ पे ये देख लें कि बेसिक के अंदर आपने जाके एप्लीकेशन सेटिंग सेलेक्ट करनी है, और नीचे भी इनपुट रेंज के अंदर भी एप्लीकेशन सेटिंग सेलेक्ट करनी है, और एडवांस के अंदर जाना है, और इसके अंदर ये ट्रू कलर करेक्शन जो है ना इसने खुद ब खुद सेटिंग की होती है, आपके कलर को मॉडिफाई करता है, आपने इसको डिसेबल करके अप्लाई कर लेना है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है इमेज स्केलिंग के अंदर, ठीक है, इमेज स्केल सेलेक्ट करके इसको डिसेबल कर देना है ताकि इमेज की स्केलिंग नहीं होगी तो हमारे जीपीयू के ऊपर लोड नहीं डलेगा, यानी कि इंटेल के एचडी ग्राफिक्स के ऊपर लोड नहीं डलेगा, तो फ्री रहेगा तो गेम में फुल परफॉर्मेंस देगा। इसके बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है ग्राफिक्स सेटिंग, ठीक हो गया, और जहाँ पे आपका इमुलेटर इंस्टॉल है ना वो सारी फाइल्स जहाँ पे आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ब्राउज पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप डेस्कटॉप पे गए, ये डेस्कटॉप, और यहाँ पे हमारा इमुलेटर पड़ा है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन भी कहाँ पे वो पड़ा है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने ऐप मार्केट को भी ऐड करना है, या CEF फ्रेम रेंडर डेमो को भी, रेंडर को भी, बैक चले जाएँ TS गेम असिस्टेंट, इसके बाद UI के अंदर जाएँ, और यहाँ से आपने ADB कमांड को भी ऐड कर दें, एंड्रॉयड इमुलेटर को भी, एंड्रॉयड इमुलेटर EN को भी, एंड्रॉयड रेंडर को भी, AO इंजन को भी, ठीक हो गया। यहाँ पे ये ऐड करने के बाद
अब जैसे ये सारी ऐड हो गई हैं तो आपने क्या करना है, इस पर एक क्लिक करना है, फिर ऑप्शन पे आ जाना है और हाई परफॉर्मेंस करते जाना है। सारी जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट करने के बाद आपने ग्राफिक सेटिंग को कर देना है बंद। के बाद मैं आपको ना अब विंडो की सेटिंग बताता हूँ ताकि जो फजूल आपकी सर्विसेज वगैरह यूज़ हो रही है ना वो बच जाएँ, ताकि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है ना वो बूस्ट हो जाए। आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ये सेटिंग का आइकॉन आ रहा है गेयर का, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जाना है सिस्टम के ऊपर, यहाँ पे आपने जाना है नोटिफिकेशन एंड एक्शन। इसके बाद ये नोटिफिकेशन जो होगा ना ऑन होगा तो आपने सिंपली इसको ऑफ कर देना है, अगर तो ऑलरेडी ऑफ है तो इसको स्किप कर दें। इसी तरह फोकस के अंदर जाना है, फोकस इसको भी आपने ऑफ करना है ताकि कोई भी मेमोरी वगैरह ये यूज़ ना करे। इसके बाद आपने आ जाना है मल्टीटास्किंग के ऊपर और यहाँ पे देखें स्नैप विंडोज उसने ऑन किया हुआ। मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती है तो आपने इसको ऑफ करना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 4 या 8 GB रैम है। तो ये स्टेप करने के बाद आपने इसको एक बार बैक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जाना है गेमिंग के अंदर, गेमिंग में जाने के बाद ये एक्सबॉक्स गेम बार को आपने ऑफ कर देना है। इसके बाद आपने कैप्चर पे जाना है और इसको भी यहाँ से रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देना है, क्योंकि आप बेसिकली इसकी रिकॉर्डिंग यूज़ नहीं करते तो ये बैकग्राउंड पर ऑन ही रहेगा तो परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। इसके बाद आपने गेम मोड पर क्लिक करना है और ये ऑफ है तो इसको 100% ऑन करना है, अगर तो ऑन है ऑलरेडी तो फिर ठीक है इसको स्किप कर दें, कोई इससे रिलेटेड हमारा मसला नहीं है। इसके बाद आपने ये क्रॉस कर दें, अब दोबारा से स्टार्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखें बैकग्राउंड, ठीक है। ये देखें जैसे ही आप बैक लिखेंगे ये आ गया बैकग्राउंड ऐप्स, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो आपने पूरा लिखना है बैकग्राउंड ऐप, इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से ना ये ऐप बेसिकली ऑन होती हैं सारी विंडोज़ की ऐप, तो आपने क्या करना है इसको ऑफ कर देना है ताकि ये फजूल ऐप जो हम यूज़ नहीं कर रहे हमारी मेमोरी को और सिस्टम की परफॉर्मेंस को ना ले, ताकि हमारी जो गेम लूप की परफॉर्मेंस है बूस्ट हो जाए, उसका लैग वगैरह फिक्स हो जाए, ठीक है। स्टार्ट पे जाना है, यहाँ पे आपने लिखा है एडवांस सिस्टम सेटिंग, ठीक है। जैसे ये लिखेंगे एडवांस तो ये एडवांस तो ये आ जाएगा, देखें सामने आ रहा है, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने जाना है परफॉर्मेंस के अंदर, इसके बाद जाना है एडवांस, ठीक हो गया। ये हमारी वर्चुअल रैम है, वर्चुअल रैम बेसिकली क्या होती है वो एक आरजी तौर पे है ना आपकी जो रियल रैम है उसको इंक्रीज कर लेता है, उसके अंदर वो फाइल्स रख लेता है जो यूजली यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आपने चेंज पे क्लिक करना है, इसके बाद आपने ये ऑटोमेटिक होगा तो यहाँ पे आपने इसको अनचेक कर लेना है, कस्टम में ले आना और सी सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास तकरीबन 44 GB जो है ना अवेलेबल है, तो आपने यहाँ पे इनिशियल साइज देना है और यहाँ पे जितना मैक्सिमम हो उतना देना है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट यहाँ पे 8 GB रखें और यहाँ पे तकरीबन 16 GB रखें, कम से कम 8 GB मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपके पास 16 GB नहीं है तो दोनों 8-8 GB लग जाएँ। 8 GB अगर आपने रखना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे 8000, ठीक हो गया। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अगर 16 रखें तो 16 वरना 8, इसको सेट करके ओके कर लेंगे। मैंने ज़रा ज़्यादा रखी है क्योंकि मेरा काम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपने इसको ओके कर लेना है, इसको ओके करने के बाद बैक आ गए, इसके बाद आ जाना है विजुअल इफेक्ट्स के ऊपर, ठीक हो गया। अब ये जो इफेक्ट्स है ना ये सारे आपके रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, प्रोसेसर को और रैम को। यहाँ पे देखें सारे इफेक्ट्स जो है ना वो हमने चेक किए हुए हैं, यानी कि एनिमेशंस वगैरह ये वो जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो आपने सिंपली क्या करना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है यूज़ ड्रॉप शेडोज फॉर विंडोज़ आइकॉन। तो आपने ये शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकॉन्स यूज़ करना है ताकि जो हमारी पिक्चर्स वगैरह ना उनके सिर्फ आइकॉन ना शो हों, उनके थंबनेल्स वगैरह भी शो हों, ठीक हो गया। तो इसको आपने सिंपली कर देना है अप्लाई। अब आपने क्या करना है जो आपका गेम लूप है या टेंशन गेमिंग बड़ी है उस पर राइट क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन पर जाना है, ठीक है। इसके बाद TX गेम असिस्टेंट, इसके बाद UI, ठीक है। अब आपने क्या करना है पूरा इम्यूलेटर यहाँ से क्लोज कर लेना है। इसके बाद आपने प्रोसेस हैकर डाउनलोड करना है, अगर वो भी नहीं मिला तो आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पर जाना है, ठीक है, वहीं से आपको डाउनलोड फाइल्स के अंदर मिल जाएगा। आपने प्रोसेस हैकर को ना ओपन कर लेना, ये बेसिकली जो विंडोज़ के प्रोसेस है ना उसको एडवांस हमें एक्सेस देता है ताकि हम उसको टर्मिनेट कर सकें, उसको चला सकें। बेसिकली हैकिंग का टूल नहीं है इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है टेंसेंट, जैसे ही आप टेंसेंट लिखेंगे जितनी भी सर्विसेज होंगी चल रही होंगी उस पर सेलेक्ट ऑल करके राइट क्लिक करना है टर्मिनेट, ठीक हो गया। ये हो गया टर्मिनेट कंटिन्यू, इसको कर देना है यहाँ से बंद। तो इसके बाद आपने क्या करना है ये न्यू वर्किंग UI TGB है ना इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। लिंक कहाँ से मिलेगा फिर बताने लगा, डिस्कॉर्ड पे जाना है, एलेक्स फैमिली में जाना है, इसके बाद आपने जाना है डाउनलोड फाइल्स के अंदर, ठीक है। यार ये बार बार आके ना ओनली हेल्प और पब्लिक चैनल में पूछा ना करो कहाँ से डाउनलोड करना है, इतनी बार तो बता चुका हूँ कि डाउनलोड फाइल्स के अंदर जाओगे जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी के लिंक यहीं पर मिलेंगे डाउनलोड फाइल्स के अंदर, चाहे वो पुरानी है चाहे वो नई है, सारी फाइल्स यहीं पर पड़ी हैं। मैंने किसी का लिंक जो डिलीट नहीं किया, जो फजूल थी ना जिसकी ज़रूरत नहीं थी सिर्फ वो फाइल्स डिलीट की हैं, ठीक हो गया। तो अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आपने ये न्यू वर्किंग UI TGB डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, और आपने इसको इम्यूलेटर को भी बंद कर लिया। तो ये हमारा न्यू वाला UI जो हमने इंस्टॉल किया हुआ, ठीक है।
जो खुद ब खुद इंस्टॉल हुआ है उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। ये राइट क्लिक किया है, रीनेम में गए तो यहाँ पे लिख दें TGB, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये न्यू वाला UI था जो हमारा ऑटोमेटिक इंस्टॉल हुआ, हमने नहीं रिप्लेस किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने जो ये न्यू वर्किंग UI है ना, इसको राइट क्लिक करना है, 7-zip पे जाना है और एक्सट्रैक्ट टू हेयर कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे UI की फाइल आ गई है। इसके अंदर ना मैंने गेम लूप के ऊपर जो है ना लैग फिक्स किया है, तो आप इसको टेंशन गेमिंग बडी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और गेम लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, UI को आपने रिप्लेस कर दिया, इसको आपने सिंपली बंद कर लेना है। इसके बाद मैं आप लोगों को ना एक बार सेटिंग बता देता हूँ, फिर जो है ना आखिरी के दो स्टेप जो है ना वो बताऊँगा जो बिल्कुल कंपलसरी है। आपने ऐप मार्केट को खोल लेना है, 3 bar पर जाना है, सेटिंग के अंदर चले जाना है, फिक्स विंडोज़ वाला इसको चेक कर लेना है। इसके बाद आपने जाना है इंजन के अंदर, तो आपने इसको ड्रैटेक्स पे खेलना है क्योंकि आपके पास लो एंड PC है और इंटेल का ग्राफिक कार्ड है। इसके बाद ये दोनों ऑप्शन आपने चेक कर लेने हैं, जो हमारा डेस्कटॉप का ग्राफिक कार्ड है और जो रेंडरिंग ऑप्टिमाइजेशन है अगर आप गेम लूप पे खेल रहे हैं और अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। इसके बाद आपने एंटीलाइजिंग को ऑफ कर लेना है और रैम को आपने जितनी मैक्सिमम आपके पास रैम है 4GB या 8GB वो सेलेक्ट कर लेनी है और कोरें भी आपके पास जितनी होंगी यानी कि जो आपकी कोरें हैं वो सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे लो पॉसिबल जो रेजोल्यूशन है ना वो सेलेक्ट करना है, जैसे 1280 और 720 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और DPI में आप 320 कर लें। ठीक हो गया, इसके बाद आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। ये हमारा फोन है, यहाँ पे आपने रोग 2 ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लास्ट ऑप्शन में चले जाएं इन गेम के अंदर, यहाँ पे भी आपने 720 सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन स्मूथ और यहाँ पे 60 FPS। आपने यहाँ पे HD नहीं करना यहाँ से और 90 FPS भी नहीं करना क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लो स्पेक्स है तो वो फिर लैग होगा, बार बार किसी जगह पे हैंग हो जाया करेगा 2-3 सेकंड के लिए ना, तो इसको आपने फॉलो करना है कि यहाँ पे 720, यहाँ पे ये स्मूथ और FPS में 60 FPS। ठीक हो गया, ये सेटिंग करने के बाद आपने इसको कर देना है बंद और एक बार कर लेना है रिस्टार्ट। जैसे गेम को चलाते हैं तो गेम तो चल पड़ती है लेकिन साथ में क्या हमारा ऐप मार्केट भी ओपन हो जाती है। आपने क्या करना है, गेम लूप की ऐप मार्केट है या टेंशन गेमिंग भी बड़ी की ऐप मार्केट है, आपने इसको बंद करना है क्योंकि ये हमारे रिसोर्सेज ले रही होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है और ये हमारे गेम लूप या टेंशन गेमिंग बड़ी है, राइट क्लिक करना है यहाँ पे वाइट। ठीक है, ऐप मार्केट बंद हो गया। इसके बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है डिफेंडर, ये विंडो सिक्योरिटी के अंदर जाना है। जब भी आपने गेम खेलनी है विंडो डिफेंडर भी बंद करना है, ठीक है, ताकि ये मिडी में स्कैनिंग ना करे और हमारे सिस्टम के ऊपर लोड ना डले। इसके बाद मैंने सेटिंग में जाना है, रियल टाइम और सारी प्रोटेक्शन ऑफ कर देनी है और इसी तरह ऐप मार्केट को भी बंद कर देना है। ठीक है, ये कंपलसरी 2 steps हैं जो हमने हर बार फॉलो करने हैं जब भी हमने गेम खेलने हैं। ठीक है, अब लास्ट स्टेप आपने करना है जो अपना डेस्कटॉप का आइकॉन है ना गेम लूप का, उस पर राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन पर जाना है। इसके बाद आपने ऐप मार्केट के ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है और कंपैटिबिलिटी में जाना है। इसके बाद आपने चेक कर देना है डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन और रन दिस प्रोग्राम एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसको यहाँ से अप्लाई, ओके। यहाँ पे TX गेम सिस्टम, एक स्टेप बैक जाएंगे, फिर UI के अंदर जाना है और यही सेम एंड्रॉयड इमुलेटर EN के साथ। ठीक है, प्रॉपर्टी में जाना है, कंपैटिबिलिटी, यहाँ से भी रन दिस प्रोग्राम एज एडमिनिस्ट्रेटर और डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन, अप्लाई, ओके। ठीक हो गया, ये सारे स्टेप हैं जो आपने फॉलो करने हैं। इसके अलावा जो है ना ये लैग फिक्स के अंदर मैं टाइमर रेजोल्यूशन भी दे रहा हूँ आप लोगों को, जब भी आपने गेम खेलनी है सबसे पहले इसको चलाना और यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देना, इससे क्या होगा जो आपका फ्रेम ड्रॉप है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, अगर कोई इशू आता है तो सिंपली आपने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पे ये ओनली हेल्प का सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपने मुझे टैग करके या वैसे ही अपना मसला लिख के छोड़ देना, जैसे ही मैं आऊँगा खुद ब खुद रिस्पॉन्स करूँगा, या इंतजार ना किया करो कि मैं आऊँगा तो फिर ही आपने टेक्स्ट करना है, आप टेक्स्ट करके छोड़ दो, जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँगा खुद ब खुद रिस्पॉन्स कर दूँगा।